जो हमारे मंदसौर नीमच समूचे मालवा में एक प्राकृतिक आपदा का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है। कभी स्तुति स्थिति उत्पन्न होती है कि सूखा का सामना अन्नदाता तो करना पड़ता है, और कभी कभी रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं, इंद्र देवता का इतना भरपूर आशीर्वाद हो जाता है कि एक प्राकृतिक प्रकोप की पद्धति उत्पन्न हो जाती है। आज मध्य प्रदेश का किसान इस प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में पूरी तरह से फंस चुका है। जहां एक तरफ बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अतिवृष्टि के आधार पर भी हमारे सारे फसल चौपट हो चुके हैं। चाहे सोयाबीन हो, निमाड़ में कपास हो, और खास करके नीमच मंदसौर के क्षेत्र में 70-80% फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आज मेरे साथ इस दौरे में राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी भी आए हैं। एक एक गांव में जाके मैं आकलन कर रहा हूं। पिछले हफ्ते में ग्वालियर चंबल संभाग के अशोकनगर जिले में था, आज मैं मंदसौर नीमच में हूं। रात को उज्जैन से मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं ग्वालियर के लिए, कल मुरैना और भिंड का जायजा ले रहा हूं। और ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि शासन प्रशासन को मेरे अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहना ही होगा। ये अन्नदाताओं का प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, और इस संकट के समय में जो प्राथमिक सर्वे हुई है, मैं स्वतः ही उस सर्वे के साथ संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा है कि अब बादल थोड़े छट चुके हैं, 2-3 दिन वर्षा थमने के बाद दोबारा सर्वे होना चाहिए। एक एक पटवारी, एक एक तहसीलदार दोबारा खेत और खलिहान में जाए, सर्वे करवाए, और जो उस सर्वे का आकलन होगा, एक एक जिला कलेक्टर के पास वो सूचना जाए, और जैसे वो सूचना कलेक्टर राजस्व विभाग को मध्य प्रदेश में भेजेगी, वैसे ही वैसे मुआवजा राशि स्वीकृत होनी चाहिए और किसान के हाथ में पहुंचाया जाना चाहिए। मैं पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री से भी मिला था भोपाल में, और मैंने उनको कहा है कि एक तो होता है राजस्व विभाग से आपदा कोष के आधार पर मुआवजा देने की बात, इसी के साथ दो और सुझाव मैंने दिए हैं। पहली बात कि केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार की आपदा कोष है, वहां से भी मांग रखी जानी चाहिए। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी मध्य प्रदेश में कोई भी प्राकृतिक आपदा या विपत्ति आई हो, उस समय में हर वक्त में मनमोहन सिंह जी के यहां जाकर मध्य प्रदेश के लिए 1,000 से 2,000 करोड़ रुपए केंद्र आपदा कोष से लेके आता था आप लोगों के लिए। और इस बार भी
चाहे बीजेपी की केंद्र सरकार हो, लेकिन दायित्व तो हमारी है। आपकी लड़ाई हमें लड़नी होगी और उस केंद्र सरकार से भी आपदा कोष की राशि लाकर आपको दिलवानी होगी। और दूसरा सुझाव मैंने रखा है कि एक तो राजस्व विभाग से मुआवजा राशि दी जाती है और इसके अतिरिक्त जो बीमा कंपनियां आपके खाते से बीमा की राशि काटती है, उन बीमा कंपनियों को आदेश दिया जाए कि जो बीमा आपके खाते से जो काटा गया है उसके आधार पर आपके खेत में जो अतिवृष्टि या बाढ़ से नुकसान हुआ हो उसका पूरा मुआवजा बीमा कंपनी के द्वारा भी दिया जाए। तो मेरे तीन सुझाव हैं जिसके आधार पर आज अन्नदाताओं का ढाढ़स बढ़ाना होगा। एक, मुआवजा राशि राजस्व विभाग से। दूसरा, मुआवजा राशि केंद्र सरकार से। और तीसरा, मुआवजा राशि बीमा कंपनियों की तरफ से। तो नीमच में इस वर्ष 32 इंच की वर्षा हुई है, मनासा में 74 इंच की वर्षा हुई है, मंदसौर में 66 इंच की वर्षा हुई है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुछ हद तक मध्य प्रदेश की सरकार को, बीमा कंपनियों को और केंद्र सरकार को मिलकर मेरे किसान के ढाढ़स को बढ़ाना ही होगा। मेरा और आपका पारिवारिक रिश्ता है, आपके सुख में मैं आपके साथ रहूं या न रहूं, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव मालवा अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में, मध्य प्रदेश के अंचल में जहां भी दुख का पहाड़ टूटा हो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, आपका ढाढ़स बनाना सिंधिया परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं लेकिन धर्म बनता है। और आज उदयपुर से मेरा दौरा शुरू हुआ है, नया गांव होते हुए नीमच मनासा का पूरा क्षेत्र करते हुए, मंदसौर का क्षेत्र करते हुए, रतलाम करते हुए उज्जैन में जा रहा हूं। रात को 10 बजे रात को ट्रेन पकड़ के मैं ग्वालियर पहुंच रहा हूं। कल सुबह मुरैना और भिंड का दौरा करते हुए 12 बजे रात को मुरैना स्टेशन पे मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है, ये हमारा और आपका संबंध सदैव रहा है। और आज वो संबंध के आधार पर जो सबसे बड़ी पूंजी मेरी जिंदगी की है, जो आपके साथ वो रिश्ता है, आपके दुख के समय में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहने के लिए मैं आपके समक्ष हूं और आपकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।